तो गैस मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गॉसिप में। मनीषा रानी बार बार ये बात बोलती रहती है कि जिया शंकर डिजर्विंग नहीं है, डिजर्विंग नहीं है। तो फुकरा इंसान ने आज पूछ ही लिया कि जिया शंकर क्यों डिजर्विंग नहीं है और तू क्यों डिजर्विंग है। जहां पर मनीषा रानी ने जो जवाब दिया है यार, वो बहुत ही कमाल का जवाब दिया है, जो कि क्लिप जो है सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं लोग और यही बात बोल रहे हैं, शेरनी की दहाड़ ऑन फायर मनीषा रानी। सही बात है, मनीषा रानी एक्चुअली में वन पीस है, फायर है वो। और जिस तरीके से जिया शंकर को कैप्टनसी टास्क मिला और उसने मतलब कि एक जगह पर लोग पानी डालते रहे और दूसरी जगह पर लोग जो है एक्चुअली में थोड़ा बहुत चीज़ें करते रहे, पर मनीषा ने बोला कि अगर मैं जब टास्क में टास्क करने आती हूँ ना, मुझे कुछ नहीं दिखता, मुझे बिठा देते वहाँ पे, मिर्ची कुंडी सब लगा देते, मैं भी ना उठती। वहां पर उसकी कैप्टनसी थी, मेरी भी कैप्टनसी थी, मेरी कैप्टनसी में कोई बिग बॉस ने रोक टोक नहीं दी, पर उसको बार 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 रोक टोक की गई बिग बॉस की तरफ से। और बिग बॉस ने खुद पूछा कि आप ये कैप्टनसी छोड़ना चाहती हैं, देख लीजिए देख लीजिए क्यों। और बिग बॉस एक्चुअली में कभी भी उसको डिसीजन लेने के लिए बोलता है, वो डिसीजन नहीं ले पाती। मैं एक्चुअली में अगर मैं फनी हूं तो वहां पर जो है मैं अपने, अगर मैं एंटरटेन करती हूं तो मैं सीरियस भी रहती हूं, और टास्क में मुझे सिर्फ टास्क दिखता है, और मैं अपने दोस्तों के साथ साथ एक फेयर डिसीजन भी ले सकती हूँ, अपने दोस्तों से ऊपर जाके जो फेयर होगा वो चीज बोल सकती हूँ। वो अगर देखने में अच्छी है, सुंदर है, वो सुंदरता देखने में अच्छी, वो एक्चुअली में फिनाले में नहीं, वो फिनाले तक ऐसा जाना है, वो तो मैं नहीं मान सकती कि इसकी वजह से वो फिनाले में चली गई। सबसे ज्यादा वीक कंटेस्टेंट, और अब हम लोग सोच रहे कि वो फिनाले में जा रही है, मतलब कि वो फिनाले में चली जाएगी, ये तो बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बेकार बात है। और मनीषा ने बोल दिया मैं एंटरटेनिंग हूँ, वो एंटरटेनिंग नहीं, बिग बॉस के कंटेस्टेंट में कुछ तो बात होनी चाहिए। हम दम रखते हैं सच बोलने का, वो सच नहीं बोल पाती है, वो लॉयल नहीं है, हम लॉयल हैं। हम जो है जो चीजें करते हैं वो एक्चुअली में बिग बॉस के कंटेस्टेंट की मटीरियल है और बिग बॉस के कंटेस्टेंट कहलाते हैं। सही बात है, मनीषा ने जो भी चीजें गिनवाई हैं, जो भी चीजें बोली हैं, बहुत ही मजेदार बोली है भाई, उसके एक ही फ्लो से निकल गया है। हम वो तो मनीषा रानी है, हम तो मनीषा रानी नहीं है ना कि सेम कॉपी पेस्ट कर दे। बहुत ही कमाल की बातें बोली हैं यहां पर। और ये भी बात बोली है कि जो जिया शंकर है ना, अब भैया तेरा नाम लेके आगे बढ़ी है, ठीक है, अगर तेरा नाम लेके वो वहां तक पहुंच जाए फिर भी डिजर्विंग नहीं है, वो इसकी वजह से डिजर्व नहीं करती है क्योंकि वो सबसे कमजोर कंटेस्टेंट है, उसका कुछ भी एक्चुअली में वैलिड, कुछ भी एक्चुअली में औदा नहीं, कुछ भी नहीं है। जो ये बहुत ही सही बोला है, मुझे तो बहुत मजा आया, इसीलिए लोगों को भी बहुत मजा आया है। मनीषा इज ऑन फायर भाई, क्या कहते हैं आप। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।